परीक्षेच्या घोटाळ्यावरून देशभर विद्यार्थी आणि पालक संतप्त झाले आहेत. या परीक्षेमध्ये झालेल्या घोटाळ्याबाबत गुजरात कनेक्शन उघडकीस आले आहे. या संदर्भात केंद्र शासनाने स्पष्ट भूमिका घेण्याचे काय टाळले, यामध्ये सत्ताधारी पक्षाला काय रस आहे, असे अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत, असे प्रदेश संघटन सचिव भूषण ढाकुळकर यांनी म्हटले. देशभरात नीट परीक्षा घोटाळ्यामुळे अनेक विद्यार्थ्यांचे नुकसान झाले आहे. विद्यार्थ्यांना पालकांना दिवस रात्र मेहनत करून निराशा मिळाली आहे. भारतीय जनता पार्टीने देशभर मोठा घोटाळा घडवून आणला आहे. घोटाळ्यातील अनेक जण गुजरात भाजपचे पदाधिकारी आहेत. या संदर्भात आम आदमी पार्टी नागपूरतर्फे बुधवारी यांनी निषेध निदर्शने करून पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी या विषयावर बोलावे आणि कार्यवाही करावी. केंद्र शासनाचा या परीक्षेशी थेट संबंध आहे. आम आदमी पार्टी, विद्यार्थी व पालक मोठ्या प्रमाणावर आंदोलनाने या प्रश्नाकडे लक्ष वेधले आहे, तरीही संबंधित यंत्रणा खुलासा करण्यासाठी पुढे आलेली नाही, अशी तक्रार यावेळी करण्यात आली. आज ये मोर्चा इसीलिए किया है कि जो नीट पेपर हुआ है उसका घोटाला हुआ है तो उसके विरोध में आम आदमी पार्टी पूरे नागपुर शहर में इसका विरोध करती है. क्योंकि नीट का एग्जाम बोले तो मेडिकल का एंट्रेंस एग्जाम है. आपने देखा होगा कि कोरोना काल में डॉक्टर को हम लोगों ने योद्धा माना था. वो डॉक्टर के एग्जाम में एंट्रेंस जो हम बच्चे देने वाले हैं उसमें घोटाला किया गया है, जिसके वजह से कई सारे बच्चों का भविष्य धोखे में आ चुका है. कई सारे बच्चे जो मेहनत करके पढ़ाई करते हैं उनका लॉस हो चुका है. क्योंकि जो बच्चे मेहनत नहीं किए हैं, जो एलिजिबल नहीं है, उनको अच्छी स्कोरिंग मिली है, तो उन बच्चों का क्या होगा जिन लोगों ने अच्छी मेहनत की और जो वाकई में एलिजिबल थे. और डॉक्टर ऐसा व्यक्ति है जिसके हाथ में हमारा भविष्य होता है, हमारी जान होती है. अगर ऐसे प्रोफेशन में घोटालेबाज या फिर ऐसे जो नाकाबिल बच्चे डॉक्टर बनते हैं तो सोचिए हम लोगों का भविष्य क्या होगा, हम लोगों के हेल्थ का क्या होगा. तो इसी वजह से आम आदमी पार्टी दो चीजों में ज्यादा फोकस करती है. एक तो हेल्थ है, दूसरा एजुकेशन है. तो ये बच्चों के एजुकेशन दोनों ही यहाँ पे मामले हैं. एक तो हेल्थ भी है, दूसरा एजुकेशन भी है.